मम्मी की फ्रेंड ने मम्मी को कहा है कि वो मूवी अच्छी नहीं है, है ना? तो फिर आपने क्या जवाब दिया उसको? जब मैंने देखी मेरे को क्या बताया? सारी टोकरी गई है, लो आधे ऊपर आधे नीचे। अच्छा तो भैया मम्मी तो घर पे है नहीं, मुझे लग रही थी भूख तो मैं बना रहा हूँ पीनट मसाला। ये पीनट्स है ये मैंने डाल दिए इसमें। अब अपन डालेंगे इसमें प्याज टमाटर और ये नींबू, फिर बनेगा अपना तकड़े वाला पीनट मसाला जैसा कि होटल में मिलता है। मैं आज पहली बार नहीं बना रहा, मैं हमेशा बनाता हूँ घर पे, लेकिन आज ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने कहा बना लेता हूँ। मम्मी पता नहीं कब आएंगे, फिर भूख लग रही है मुझे। तो अपना ब्रेकफास्ट आज होगा इस पीनट मसाले का। तो प्याज काट रहा हूँ, प्याज काटने का तरीका मुझे आता है, कैसे बारीक काटते हैं उसको, ऐसे करके फिर ऐसे करके, फिर इसको बीच में एक बारी कट ऐसे करना है, फिर दोबारा फिर ऐसे बारीक कट जाएगा। ये तौर तरीके मुझे आते हैं थोड़े से, क्योंकि मैं करता रहता हूँ ऐसे उठ पटंग के काम, क्योंकि जब मेरी प्रॉपर डाइट चलती है वर्कआउट के हिसाब से तो फिर मैं खुद ही बनाता हूँ अपना खाना डाइट का, घर वालों को तंग नहीं करता इतना मैं। अब काटेंगे टमाटर, इसको भी ब्रीक काटने का तरीका मुझे आता है। पहले इसमें एक ऐसे लाइन डालो, फिर दूसरी लाइन, फिर ऐसे तीसरी लाइन, फिर चौथी, और एक बीच में कट ऐसे, जैसे प्याज में किया था वैसे ही सेम इसमें करना है, और ये ब्रीक कट जाएगा। यार टमाटर में ना बहुत गीला गीला हो जाता है, सारी रस नीचे गिरती है, एक तो बड़ा मुश्किल होता है टमाटर काटना। अब बारी नींबू डालने की। तो यहाँ हमारा तैयार है पीनट मसाला, इसमें मैंने थोड़े से डाल दिए चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक, और बाकी चीज सब परफेक्ट है, आप लोग देख सकते हो। क्या लाजवाब लग रहा है यार, इसको टेस्ट करते हैं अपन, हर चीज परफेक्ट है इसमें, मेड बाय अंशुल गिरा। अगर आप लोगों को खाना है तो आ जाओ मेरे घर, बना के खिलाता हूँ आपको। अब बारी टेस्ट करने की, आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है। हमेशा की तरह अच्छा बना है भाई, मैं अच्छा बनाता हूँ ये चीजें, मेरे पे विश्वास करो आप। तो मैं अभी ऊपर कपड़े उतार रहे आया था सारे, तो आज फिर एक छोटा सा गेम खेलते हैं चिमटियों के साथ। पहले डालते हैं पहली, ठीक है, देखे जाती है। अरे यार शिट, दूसरी। ओए यार तो जा ही नहीं रही, देखते हैं जाती है। ओए शिट लास्ट, तू तो चली जा भाई अंदर, देखते हैं। अबे यार आज कोई भी नहीं खाई भाई, वैसे जाती है रोज दो, आपके सामने पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, लेकिन आज एक भी नहीं गई। आज किस्मत लक हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, चलो नीचे चले। अच्छी अच्छी बेटा, जब कहीं जाएगा ना अकेला होएगा, फिर याद करेगा मम्मी को, कहेगा हाँ मम्मी ने सिखा दिया। अच्छी अच्छी बेटी, अकेले में चुदर ले बैठूंगा ही नहीं मैं, काम वाली रख लूंगा ना। काम वाली बार काम वाली मिलती है, काम वाली पैसे तो क्या नहीं मिलता, काम वाली मिल जाती है। आप मेरे को याद करोगे जब मैं घूमने जाऊंगा ना 25 महीनों के लिए। 25 महीनों के लिए घूमने जा रहा हूँ। 25 महीने होते हैं, 25 महीने साल में कितने महीने होते हैं, पहले ये बता दो। साल में होते हैं 15-20, 12 होते हैं पता मेरे को। फिर 12 महीने में कितने दिन होते हैं, चलिए बता। 12 महीने में 365 दिन में कितने दिन रहेगा? इतना आगे डिटेल लो मेरे से, बस काउंटिंग कितनी पड़ी है तुम्हें। वाह वाह, सिर्फ पहाड़ घूमना होंगे। देखो देखो मैं काम नहीं करते मुंडे मेरे, नए मॉडल लगवा लो, 2 लाख लगाएगा। मेरी बहुत इज्जत है, जिसकी इज्जत होती बेइज्जती को उसको डर होता है। मेरी बहुत इज्जत है, ठीक है, कहाँ पे पूरी दुनिया में बहुत लोग जानते हैं मेरे को। जानते तो मेरे को भी है, अंशुल बदमाश के नाम से। मुझे
टोकरी गई ये लो। आधे ऊपर आधे नीचे। अच्छा इतने सारे कपड़े उतार के आया हूँ, इतने सारे कपड़े धोए हैं मेरी माँ ने, इतने सारे कपड़े धोए हैं, इतनी मेहनत करी है मेरी माँ ने। हाय राम, हे भगवान मेरी मम्मी को बहुत लंबी उम्र देना। हे भगवान किसको बोल रहे हैं? कैमरे में बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ। फिर भी डेट बना रहे हैं सच में गाइस। तो हम जा रहे हैं, मतलब आज है 23 दिसंबर और दिन है शनिवार सैटरडे, और हम कल जा रहे हैं संडे को पूरी फैमिली के साथ, भैया भाभी मैं मम्मी पापा हम सारे कल जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, जिस मूवी का नाम है डंकी। शाहरुख खान नवी मूवी आई है ना, वो भी देखने के लिए हमने इसकी टिकट मंगलवार को ही बुक कर दी थी, यानी कि 4 दिन पहले ट्यूसडे को बुक कर दी थी, ताकि हम संडे को आराम से मूवी देखने जा सके। मम्मी की फ्रेंड ने मम्मी को कहा है कि वो मूवी अच्छी नहीं है ना, तो फिर आपने क्या जवाब दिया उसको? हाँ तो फिर हमने पैसे लगाया ना, 350 रुपए की एक टिकट है, फ्री में थोड़ी देखने जा रहे हैं। मूवी गंदी हो या अच्छी देखनी तो पड़ेगी, पैसे दिए भैया, 350 फ्री में थोड़ी आता है। अच्छी वाली हमारे घर के पास नया मॉल खुला है यहाँ से मोहाली में, उसका नाम है CP67, तो हमने वहां पे पहली बारी मूवी देखने जा रहे हैं, और उसकी जो टिकट है वो काफी महंगी है, इसलिए वहां के जो सोफे है ना वो काफी आरामदायक है, आराम से ऐसे बैठे तो मूवी देखोगे जब, तो इसलिए वो थोड़ी टिकट जो है महंगी है, तो हम पहली बार वहां पे मूवी देखने जा रहे हैं, तभी मम्मी पापा को लेके जा रहे हैं वहां पे। मम्मी पापा बहुत रेयर जाते हैं कई बार, इससे उनको घुमाना बनता है। और कुछ लिफ्ट वाला है? नहीं। तो टाइम हो गया अब, घड़ी यार 4:30 हो गया, यहाँ 2 बज रहे हैं, 15 मिनट रह गए मंदिर जाने को। आज जिम में जाना, जिम में लगाने मैंने शोल्डर। शोल्डर क्या होता है? मम्मी पूछ रही है शोल्डर क्या होता है। शोल्डर मतलब ऐसे ऊपर नीचे करते हैं डंबल को, यहाँ पे 35 किलो, यहाँ पे 35 किलो, पता है कितना हो गया? 70 किलो, मेरी एक बाजू में 70 किलो का जाना है। 70 किलो उठाएगा भाई? हाँ उठा लेते हैं बच्चे ये उठाते हैं, फिर अब 10 किलो 15 किलो, मैं 35 किलो एक हाथ में उठाता हूँ। आज मैंने आपके पीछे वो बनाई थी, कल वीडियो में देखना आप, क्या बनाया? मैंने वो बनाई थी मसाला चाट, सॉरी वो मसाला चाट बोल रहा हूँ, पीनट मसाला बनाया था मैंने आज। पीनट मसाला? वो पीनट्स नहीं बड़े थे जो मैं ट्रिप पे लेके आया था। अच्छा। वो बोले आज मसाला वो प्याज टमाटर काट के मजे से यार खतरनाक बनाए थे। अच्छा। मजा आ गया। मम्मी के साथ काम करते करते पता ही नहीं चला कब 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन फिर भी सही टाइम पे पहुंच गया हूँ मैं, अभी दर्शन खुलने वाले ही होंगे और मैं पहुंच गया हूँ मंदिर। हमने ले लिया है अपना पनीर पोस्ट वर्कआउट मील, अब जा रहा हूँ घर पर, तो डाइट मैंने खा ली है, अब जा रहा हूँ मैं शेव करवाने के लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है निकलना है, कल मूवी देखने जाना है फैमिली के साथ, तो सुबह टाइम मिलेगा नहीं, आराम से सो के उठेंगे, संडे है वैसे भी, इससे अच्छा कि अभी करवा के आ जाओ, टाइम की बचत होगी कल, वरना फिर जाने से पहले कल सुबह फिर बोलेंगे ये कोई शेव कराने का टाइम है, लेट उठते हुए ऊपर से शेव करवाने जाओगे और लेट करोगे, फिर मूवी का शो टाइम भी जो है वो फिर लेट ना हो जाए ना, तेरे को क्या हो जाता कभी कभी। शेव करा के घर पे आ चुके हैं और दिल कर रहा था कोल्ड कॉफी पीने का, तो मम्मी को बोला कोल्ड कॉफी बना दो, तो उन्होंने कोल्ड कॉफी बना दी, तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिंदगी में हंसते रहो मुस्कुराते रहो, किसी की बात का गम मत रखो, बस एंजॉय करो लाइफ को, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।